भारत के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र को उम्मीद है कि इस सीजन में राज्य में चीनी का उत्पादन 5.6% की वृद्धि के साथ 112 लाख टन पहुंच जाएगा। मंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली मंत्रियों की बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में 15 अक्टूबर से गन्ना पेराई का काम शुरू होगा। 1 अक्टूबर से गन्ना सीजन शुरू हो रहा है। प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि गन्ने सीजन 2021 से 22 के लिए गन्ने का रकबा बढ़ाकर 12.32 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 97 टन होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि अगले सीजन में 193 चीनी मिलें चालू हो जाएंगी, जो 1096 टन गन्ने की पेराई करेंगी। गन्ने के चीनी आयात कुल के अनुसार महाराष्ट्र ने 2020 से 21 चीनी सीजन में 1013 लाख टन की पेराई करके 106.4 लाख चीनी का उत्पादन किया था। महाराष्ट्र जो 206 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करता है। राज्य के 112 चीनी मिलें ने इथेनॉल निर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं। समिति ने राज्य की चीनी उद्योग को नियंत्रित करने वाले चीनी आयुक्त काल को उन चीनी मिलों के पेराई लाइसेंस जारी नहीं करने का निर्देश दिया जिन्होंने किसानों का बकाया का भुगतान नहीं किया है। समिति ने निर्देश देते हुए कहा कि केवल 146 चीनी मिले ने किसानों को 100% उचित और लाभकारी मूल्य का भुगतान किया है। अधिकारी इस संबंध में एडवाइजरी जारी रखे। हालांकि सरकार ने मिलों को नए सीजन का चीनी उत्पादन 15 अक्टूबर से शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन मॉनसून की वापसी के कारण पेराई कार्य शुरू होने की तारीख प्रभावित होती है, क्योंकि गन्ना काटने के लिए मजदूरों के लिए खेती को सूखना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।